नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। यूपी के लक्ष्मीपुर खीरी में किसानों को कुचलने को लेकर के विवाद के मामले में फतेहाबाद में किसानों ने लघु सचिवालय में धरना शुरू कर दिया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की किसान नेता ने जानकारी देते हुए कहा कि यूपी की घटना बेहद शर्मनाक है, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों पर किया गया हमला। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की खास रिपोर्ट। किसानों की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर फतेहाबाद में किसानों ने यूपी के गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने के लिए गृह राज्य मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करने की मांग की है। इसके साथ साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा बीते दिन चंडीगढ़ में दिए गए विवादित बयान को लेकर के किसानों ने हरियाणा के सीएम खट्टर की बर्खास्ती की मांग की है। आज अपनी मांगों को लेकर के किसान आक्रोशित दिखे और फतेहाबाद में किसानों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन करते हुए डीसी कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा पुलिस प्रशासन की ओर से लघु सचिवालय पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए संघ किसान मोर्चा के फतेहाबाद के किसान नेता कल्याण सिंह ने कहा है कि यूपी में लक्ष्मीपुर में खेड़ी में गृह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी से कुचलने पर और किसानों की हत्या की जाने पर कई किसान इस घटना से घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि यूपी के गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उनके बेटे के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। वहीं मनदीप सिंह नथवान ने कहा कि यूपी के लक्ष्मीपुर खीरी में किसानों का मर्डर सरकार ने किया है। आज संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला स्तर पर किसान धरना देकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद तानाशाही मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसानों की विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर हाय 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 खट्टर मोदी हाय 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 खट्टर मोदी हाय 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 केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के और कई किसानों की हत्या कर दी, कई किसान उसके अंदर घायल है। संयुक्त मोर्चा की ये काल है कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, 302 के हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं करते, तब तक पूरे देश के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर जिला मुख्यालय के अंदर डीसी का और डीएम को घेराव करना है 10 बजे से 1 बजे तक और ज्ञापन देना है। जी खट्टर का एक संवैधानिक पद पर राज्य के मुखिया होते हुए इस तरह का बयान जो है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और लोकतांत्रिक देश में इस तरह के बयान को कोई भी कतई स्वीकार नहीं करेगा। एक किसान मजदूर होने के नाते ये बयान उनका बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं और राज्यपाल से ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इसको बर्खास्त किया जाए खट्टर को, और डीजीपी से ये मांग करते हैं कि वो संविधान की जो उन्होंने शपथ ले रखी है रक्षा करने की, उसका हरियाणा के अंदर इनकी बात से दंगा बढ़वाने का इसके ऊपर केस दर्ज किया जाए और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या है जी जो यूपी के अंदर किसानों के ऊपर जिस यूपी सरकार ने मर्डर किया है, इसमें बहुत से किसान घायल भी हुए हैं और एक मतलब ऐसा काम किया जैसे अंग्रेज राज की तरह अंग्रेज किया करते वो काम, मतलब किसानों की जान ले लेना, ये बीजेपी सरकार ने किया। उसके विरोध में गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग और उसके लड़के खिलाफ बता रहे हैं कि 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की मांग को लेकर आज पूरे देश के जितने भी
डीसी हेडक्वार्टर पे हम धरने दे रहे हैं संयुक्त मोर्चे की ताल पे, और हजारों लोग देखोगे आप डीसी दफ्तर को करवा रहे हैं। और ये एक बड़ी लड़ाई है किसानों की, और जो बीजेपी सरकार है वो लगातार किसानों के आंदोलन को उग्र करना चाहती है। अभी शहादतें हुई हमारे साथियों की, ऐसे जीप से रोंदा गया है जैसे हम किसी गुलाम मुल्क में रह रहे हों। एक बड़ी लड़ाई किसान दे रहे हैं, और हम चाहते हैं उस गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए, उसके बेटे के ऊपर 302 लगा के उसको जेल में बंद किया जाए, और ताकि किसानों को इंसान मिल सके। सर कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री खट्टर ने जो उनको बयान दिया है कि लाठियां लेके किसान खड़े थे उनकी, उनको बर्खास्त किया जाए, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इनका इतिहास दंगों का इतिहास है, ये दंगे वाली कराने वाली पार्टी है, ये लठ की हर हर चीज बन सकते हैं, ये हिटलर को मानते हैं, और हिटलर कभी विचारधारा आजादी को सहन नहीं कर सकते, इसलिए ये कुछ भी बयान दे सकते हैं, मगर हम बिल्कुल शांतिमय तरीके से इसका जवाब देंगे, क्योंकि लठ माइक के गहरे जब लठ लेके आएंगे तो उसका इनका जवाब भी दिया जाएगा। तो सर यूपी के जो होम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को हम अंदर नहीं घुसने देंगे, इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए मैं पहले लोकतंत्र का कत्ल कर रही हूँ, लोकतंत्र के खिलाफ है ये पार्टी, और लोकतंत्र शब्द से नहीं नफरत। सर अभी आज आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए, उसके बेटे को जेल में बंद किया जाए, 302 अगर ये नहीं होता है तो प्रदर्शन आंदोलन होगा, जो मोर्चा फैसला करेगा उस फैसले के मुताबिक हम आगे आंदोलन करेंगे। क्या नाम और क्या पद? वर्तमान में प्रदेश का अध्यक्ष।